गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फंटेस्टिक। कल हमने कम्युनिकेशन बाय लिसनिंग एंड स्पीकिंग पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसमें हमने मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन भी पढ़े थे, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। व्हाट आर दीज? दीज आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि कोई भी न्यूज़ जो हमें एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। और कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? यस, बातचीत करते हैं, अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, और इसमें हमारी मेन फोर स्किल्स वर्क करती हैं। व्हाट आर दीज? यस, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन बाय राइटिंग एंड रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन बाय राइटिंग रीडिंग, यानी कि हम जो कम्युनिकेशन है वो लिखकर और पढ़कर कैसे करते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। राइटिंग हैज़ बीन यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि राइटिंग का यूज़ करके हम काफ़ी लंबे टाइम से कम्युनिकेट करते आ रहे हैं। मैनी ईयर्स अगो पीपल कैप्ट पीजन्स, और बहुत साल पहले जो लोग थे वो अपने पास पीजन रखते थे। ओके, कबूतर रखते थे ना, तो जिससे वो क्या करते थे, अपने जो लेटर्स हैं वो सेंड करते थे। दे यूज्ड द पीजन्स टू सेंड मैसेजेस बाय टाइंग लेटर्स ऑन देयर लेग्स, यानी कि वो लेटर लिख के और जो पीजन की जो लेग्स होती हैं उसके ऊपर उसको टाई कर देते थे, बांध देते थे और अपने लेटर्स भेजते थे। लेटर बाद में क्या हुआ, रनर्स वर यूज्ड टू कैरी लेटर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके बाद जो लेटर्स थे वो जैसे हमारे हॉर्स वगैरह का यूज़ करके भी लेटर सेंड करते थे, या फिर कोई जैसे मंत्री वगैरह थे तो उनको भी भेज कर अपने जो लेटर थे, जो संदेश थे वो भेजे जाते थे। ओके, टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ पोस्टल सर्विस दैट डिलीवर्स लेटर्स, और आज भी हर एक कंट्री में, हर एक देश में जो पोस्टल सर्विस है वो क्या करती है, जो लेटर्स हैं उनको डिलीवर करती हैं, उनको भेजने में हेल्प करती हैं। हर जगह पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं ना, तो पोस्ट ऑफिस में हम जाते हैं और अपने लेटर डाल के आ जाते हैं। ठीक है, लेटर्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ पोस्टल सिस्टम दैट इज़ स्प्रेड ओवर द कंट्री, और जो लेटर्स हैं वो जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो पोस्टल सिस्टम का यूज़ करके वो जो लेटर्स हैं हमारे थ्रू आउट द कंट्री वो भेजे जा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू वॉन्ट टू सेंड द लेटर, तो जो लेटर जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखना होता है ताकि वो लेटर हमारा सही जगह पर पहुंच जाए। ठीक है, यू शुड राइट योर ओन एड्रेस टू, यानी कि उसके ऊपर हमें अपना भी एड्रेस लिखना होता है और जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका भी एड्रेस लिखना होता है। लेटर्स आर ड्रॉप्ड इनटू लेटर बॉक्सेस, तो जो लेटर्स हैं उनको हम लेटर बॉक्स में डालकर आ जाते हैं। फ्रॉम हियर द पोस्टमैन कैरीज देम टू द पोस्ट ऑफिस, और यहाँ से जो पोस्टमैन है वो इनको ले लेता है पोस्ट ऑफिस से। देन दे आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द सिटीज एंड टाउन्स दे हैव बीन एड्रेस्ड टू, और फिर वो उनको अलग अलग करता है, अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग। ओके, तो वो एड्रेस देखता है और एड्रेस से वो फाइंड आउट कर लेता है कि कौन सी सिटी में, कौन सी कंट्री में सेंड करना है। देन दे आर पैक्ड इन टू बैग्स मार्क्ड विद द नेम्स ऑफ दीज एंड सेंट बाय ट्रेन, रोड और एयर, और फिर वो इनको
बैग्स में पैक कर देता है अकॉर्डिंग टू सिटी और कंट्री, और फिर उनके ऊपर नाम लिख देता है कि वो कैसे सेंड करने हैं, बाय ट्रेन, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो ट्रेन से सेंड करते हैं, अगर हमें दूसरी कंट्री में सेंड करना है तो वो बाय एयर सेंड करते हैं एरोप्लेन की हेल्प से, और अगर हमें कम डिस्टेंस पर उसको भेजना है तो हम जो हमारे मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में जो आ जाते हैं जैसे बस, कार, वैन, तो इस टाइप से उनका यूज़ करके हम जो लेटर्स हैं उनको सेंड कर देते हैं। मेल वैन्स ट्रांसपोर्ट मेल फ्रॉम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स टू द मेन पोस्ट ऑफिस। जो मेल वैन्स होती हैं वो मेल को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ओके, और वो कहाँ से कैरी करती हैं, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, और फिर उनको मेन पोस्ट ऑफिस तक पहुँचा देती हैं। इन द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर सॉर्टेड आउट वंस मोर एंड पुट इन टू बैग्स अकॉर्डिंग टू द एरियाज, और फिर पोस्ट ऑफिस में वो जो लेटर्स हैं उनको अलग किया जाता है, ओके, और फिर उनको बैग में डाला जाता है और फिर उनको उनके जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग सेंड कर दिया जाता है। द पिन कोड ऑन द एड्रेस हेल्प्स इन दिस ग्रुपिंग, और जो पिन कोड है वो हेल्प करता है ग्रुपिंग करने में, अलग अलग करने में, अलग अलग सेपरेट करके उनको अलग अलग बैग्स में डालने में। दीज बैग्स आर देन टू द स्मॉलर पोस्ट ऑफिसेज ऑफ ईच एरिया इन द सिटी, यानी कि फिर वो जो लेटर्स हैं वो हमारे स्मॉलर पोस्ट ऑफिसेज में पहुँचने के बाद उनको हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सिटी के अकॉर्डिंग, एंड फ्रॉम देयर यूजिंग पिन कोड्स पोस्टमैन इंचार्ज ऑफ डिफरेंट नेबरहुड्स डिलीवर द लेटर्स, और फिर वहाँ के जो पोस्टमैन हैं वो पोस्टमैन जो इंचार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी वाले जो गांव वगैरह हैं तो उसमें वो उनको भेज कर आ जाते हैं, डिलीवर कर देते हैं, ओके। इनसाइड द कंट्री लेटर्स कैन बी रिटन ऑन पोस्ट कार्ड्स इनलैंड लेटर्स और पुट इनटू एनवेलप्स, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर ही जो हमारे भेजे जाते हैं लेटर्स, उनको जो पोस्ट कार्ड्स वगैरह हैं उनके ऊपर वो लिखे जाते हैं, और इनलैंड लेटर्स और पुट इनटू द एनवेलप्स, यानी कि हम लेटर लिख के उसको लिफाफे में एनवेलप में डाल देते हैं, एंड स्टैम्प्स आर ग्लूड ऑन देम, और उनके ऊपर स्टैम्प चिपकाई जाती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस द लेटर वुड ट्रैवल। तो यानी कि उसके ऊपर टिकट लगती है और टिकट रुपीज़ की आती है, 1 रुपये की 2 रुपये की, ठीक है, तो वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होती है वो स्टैम्प, ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है वो उतना ही जो स्टैम्प जो है वो वैसी ही लगाई जाती है उसी के अकॉर्डिंग। डिड यू नो PIN स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, PIN की फुल फॉर्म है ये, पोस्टल इंडेक्स नंबर। दिस इज अ 6-digit नंबर गिवन टू डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट एरियाज इनसाइड ईच सिटी, यानी कि जो PIN होता है, पिन कोड जो होता है, वो 6 digits का एक नंबर होता है जो हर एक सिटी का अलग होता है। जैसे रोहतक का हमारा 124001 है, तो इसी टाइप से हर एक सिटी का अलग पिन कोड होता है। इट हेल्प्स लोकेट एनी एरिया इन आर कंट्री, और इसकी हेल्प से हम अपनी कंट्री में कोई भी एरिया लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटर्स आर ऑल्सो रिटन ऑन एरोग्राम्स और पुट इनटू एनवेलप्स विद स्टैम्प्स फॉर एयर मेल, जो लेटर्स हैं वो हमारे एरोग्राम्स में या फिर जो इनवेलप्स में डाल के हम उनके ऊपर स्टैम्प्स चिपका के वो एयर मेल की हेल्प से भी हम उनको सेंड कर सकते हैं जब हम उनको दूसरी कंट्री में भेजते हैं। एयर मेल इज़ सेंट टू डिस्टेंट प्लेसेस थ्रू एरोप्लेन्स, यानी कि जो एयर मेल है वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ होता हमारा, ठीक है, और इसमें एरोप्लेन्स की हेल्प से हम जो लेटर्स हैं उनको सेंड करते हैं। स्पीड पोस्ट इज़ द पोस्टल सर्विस थ्रू विच लेटर्स कैन ट्रेवल फास्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट इज़ टू मेक श्योर दैट इम्पोर्टेंट लेटर्स रीच देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम, और जो स्पीड पोस्ट है उसमें जो पोस्टल सर्विस है वो लेटर्स को बहुत जल्दी से उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाती है, और जो रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं
और उनको जल्दी से जल्दी टाइम पर पहुंचाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। व्हेन वी हैव टू सेंड एनीथिंग अदर देन अ लेटर वी कैन सेंड इट थ्रू पार्सल्स, यानी कि लेटर के अलावा अगर हमें कोई और चीज़ भेजनी होती है तो हम उसको पार्सल की हेल्प से सेंड कर सकते हैं। मनी कैन बी सेंड थ्रू मनी ऑर्डर्स, और हम पैसे भी अपने भेज सकते हैं मनी ऑर्डर की हेल्प से। ओके, वी कैन ऑल्सो सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स बाय कुरियर सर्विस, और कुरियर सर्विस की हेल्प से हम अपने लेटर्स और पार्सल्स भी भेज सकते हैं। दे रीच द डेस्टिनेशन वेरी क्विकली थ्रू दिस सर्विस, और वो इस सर्विस की हेल्प से, कुरियर सर्विस की हेल्प से वो बहुत जल्दी उनके डेस्टिनेशन तक, जहाँ हमें भेजना है वहाँ तक जल्दी से पहुँच जाते हैं। ईमेल्स आर अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग, और ईमेल भी एक हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है। यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन टाइप अ मैसेज एंड देन मेल इट थ्रू द इंटरनेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और इसमें हम क्या करते हैं, ईमेल में हम कोई भी कंप्यूटर के ऊपर अपना जो मैसेज है उसको टाइप करते हैं और फिर इंटरनेट की हेल्प से उसको वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिटर्न मैसेज, यानी कि ये जो हमारा ईमेल का जो तरीका है ये बहुत ही सस्ता और फास्ट, यानी कि बहुत जल्दी ही हम कहीं भी, बहुत अगर आपको ज़्यादा जगह पर भी भेजना है तो हम क्विकली इसको सेंड कर सकते हैं, एक बार में ही कई सारे लोगों के पास इसको भेज सकते हैं। बट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव ईमेल एड्रेसेस, लेकिन इसको हम तभी भेज सकते हैं जब हमारा जो सेंडर है यानी कि सेंड करने वाला है उसकी भी ईमेल आईडी हो और जो हमारा रिसीव करने वाला है जिसके पास हम भेज रहे हैं उसके पास भी उसकी ईमेल आईडी हो। ओके, तो इस टाइप से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय राइटिंग एंड रीडिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। टुडे यू विल रीड पेज नंबर 105 एंड 106, और आप इसके न्यू वर्ड्स राइट एंड लर्न करेंगे। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।